सत श्री अकाल, नमस्कार आप सबको। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैनेडा गवर्नमेंट की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ को मैं इतना बैड नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जो ये कैनेडा गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया गया है इनकेस ऑफ फ्यूचर हमारे लिए हेल्पफुल ही रहेगा। क्यों बैड है, क्यों गुड है, वो सारा हम वीडियो के लास्ट तक डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, देन यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आपको इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कैनेडा रिलेटेड वीडियोज फ्रीक्वेंटली मिल जाएगी, सो यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। एंड इफ यू वॉन्ट माई असिस्टेंस, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट नंबर। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, इनकेस ऑफ वीजा एप्लीकेशन में हेल्प चाहिए, प्रोफाइल डिस्कशन करना चाहते हो, SOP में हेल्प लेना चाहते हो, या और भी कोई कैटेगरी है कैनेडा इमिग्रेशन के रिलेटेड, आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट नंबर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्यूबिक के बारे में, जो मैं कहूँगा एक तरह से गुड भी एक तरह से बैड न्यूज भी है, वो आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। सो जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, लाइक कैनेडा कॉलेज हो गया, जो भी कॉलेजेस थे, उन सबका वर्क परमिट अब क्लोज कर दिया गया है। जो प्राइवेट कॉलेजेस थे क्यूबिक में, उन सबका वर्क परमिट क्लोज कर दिया गया। अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी करेगा तो उसको वर्क परमिट वहाँ पे नहीं मिलेगा। जो पोजीशन सिचुएशन या फिर उनकी अलग जो प्रोविंस में कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेज, उनकी तरह सेम ही कर दी गई है। आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब आप क्यूबिक में स्टडी करने जाओगे। क्यों हुआ, आपको पता है कि कितने स्टूडेंट्स पीछे, कितना पैसा खराब हुआ है, कितना टाइम खराब हुआ स्टूडेंट्स का इन प्राइवेट कॉलेजेस की वजह से। आपको पता है पंजाब में भी काफ़ी एजेंट्स थे, मैं कहूँगा सीधा कहूँगा कि काफ़ी एजेंट्स थे जो पैकेज के नाम पे आपको क्यूबिक बेचते थे, कैनेडा हो गया कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस में बेचते थे। कैसे बेचते थे कि उनका टाई अप्स होता था ऐसे कॉलेजेस में। वो क्या करते थे कि टाई अप्स होता था, अच्छे रिलेशन होते थे उनके कॉलेजेस से, कॉलेज उनको विदाउट पेइंग एनी फीस उनको एक साल की शिफ्ट दे देता था, जो कि आपकी अटैच हो जाती थी आपकी वीजा एप्लीकेशन में, एंड आपकी STS कैटेगरी में लॉन्च हो जाती थी एप्लीकेशन, और एजेंट कहता था कि मैंने आपकी सारी फीस भरती है। तो जिस सारी चीजें उनको पता है कि फ्रॉड हो रहा था क्यूबिक कॉलेजेस में, स्पेशली क्यूबिक में, तो जिस सारा फ्रॉड हो रहा था, पैकेज के नाम पे वीजा ले जा रहे थे, फीस कह रहे थे कि हम भर रहे हैं, बट वो टाई अप्स होते थे कॉलेजेस से, तो दैट्स वाई हर कोई क्यूबिक में जाता था, पैकेज मिलता था, काफी फ्रॉड होता था स्टूडेंट के साथ। अगर 10 लाख फीस है कॉलेज की, दैनिक स्टूडेंट से 15-15 लाख लिया जाता था। तो ये सारा गवर्नमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को पता चल चुका था, दैट्स वाई उन्होंने बैन भी किया था एक तरह से, उन्होंने एक उनको चेतावनी भी दी थी, बट स्टिल अब बैन होने के बाद भी ये काम चालू था। तो अभी क्या किया गया, जो एक मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा स्टेप है, क्यूबिक में अगर आप स्टडी करोगे देन आपको गवर्नमेंट या फिर जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है उसमें ही जाना पड़ेगा अगर आप वर्क परमिट चाहते हो। अगर आप इन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो देन आपको कोई वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सो वी अवेयर अबाउट दैट न्यूज, एंड मैं कहूंगा कि ये हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये पैकेज वाला सिस्टम बंद हो जाएगा थोड़ा बहुत, बट स्टिल लोग और जरिया निकाल लेंगे, बट क्यूबिक में काफी ज्यादा हो रहा था, काफी परेशान हो रहे थे स्टूडेंट। तो आपको पता होगा बैंक करप्ट हो गया, कोई ऐसा हो गया, ये होगा, ये सारा कुछ ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज में होता है। दैट्स वाई वो एक तरह से ऐसे जो स्टेप्स करती है कैनेडा गवर्नमेंट, एक तरह से हमें इनकरेज करती है कि कैनेडा प्राइवेट कॉलेजेस में मत अप्लाई करो, ऑलवेज प्रेफर गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर जिनके पास लाइसेंस होता है। कोई आधे प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं कि जिनके साथ गवर्नमेंट कॉलेज के साथ टाई अप होता है, सो दैट्स वाई उन कॉलेज में कर सकते हैं, लाइक किसी कॉलेज की ब्रांच होती है टोरंटो में, सो दैट्स वाई उनमें कर सकते हैं। बट जो प्राइवेट कॉलेज है जिसके साथ कोई भी लाइसेंस नहीं है उनमें मत अप्लाई करो, आपको वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा, आपके साथ स्कैम भी हो सकते हैं। सो आई होप कि आपके लिए, आपको मेरे अकॉर्डिंगली तो ये अच्छी न्यूज़ है। तो अगर वो रास्ता नहीं होगा, एक तरह से सिंपल रास्ता लगता था क्यूबिक में कि अच्छे वीजा चांसेस हैं, एडमिशन आपको जितने मर्जी कम अकेडेमिक्स हो वो एडमिशन दे देते थे। सो आपको अगर आप अब गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करोगे देन यू मस्ट हैव गुड एकेडेमिक्स। काफ़ी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है जिनमें आपकी अगर एवरेज एकेडेमिक्स से आपको एडमिशन मिल जाएगी, बट क्यूबिक वाले तो ऐसे ही एडमिशन दे देते थे क्योंकि उनको तो लालच था, अगर 20 सीट है वो 30-30 लोगों को एडमिशन दे देते, पैसे खाते थे। सो आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी रही होगी। देन जो नेक्स्ट गुड अपडेट है वो है
जो सुपर वीजा है, पेरेंट्स का वीजा होता है जो उनके उसके रिगार्डिंग, उसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 साल की कर दी गई है एंड इंक्रीज कर दी गई है। एंड मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो मैंने ये भी रीड किया कि अगर आप ऑलरेडी आपके पेरेंट्स ऑलरेडी सुपर वीजा पर हैं कैनेडा में, देन वो आप उनका अगर एक्सपायर होने वाला है सो देन वो एक्सटेंड के लिए रिक्वेस्ट भी पा सकते हैं एज पर न्यू रूल्स, कि वो एक्सटेंड भी करवा सकते हैं ड्यूरेशन नोटिस की। तो ये काफी अच्छी न्यूज है, उनको ट्रेवल बैक नहीं करना पड़ेगा इंडिया में। एंड अगर आप न्यू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको भी ऐसे रश में 1 साल लगाया फिर आगे, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं ओल्ड उम्र होती है, दैट्स व्हाई उनको ज़्यादा टाइम रहने को मिलेगा। एंड मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो अभी सुपर वीजा में, वो पहले तो कैनेडियन जो होती थी कंपनीज उनमें ही वो ही कर सकती थी एंड वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, बट करंटली जिनके पास लाइसेंस होगा डेजिग्नेटेड होगा वो कैनेडियन जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं, उनसे आप ले सकते हो, वो काफ़ी चीप भी होगा आपके लिए, काफ़ी सस्ता भी होगा। सो इसमें आपका काफ़ी टाइम एंड पैसा भी बच सकता है। सो आपके लिए 5 साल का ड्यूरेशन भी बढ़ा चुकी है, सो आप प्लस एक्सटेंड भी कर सकते हो उसको, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। एंड क्यूबिक वाली मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका ड्रीम था क्यूबिक में जाने का, देन अप्लाई टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो भी गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं क्योंकि मैं उसमें अप्लाई करें या फिर आप और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करें। सो हम ऑलवेज चूज गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें आपकी फीस की श्योरिटी होती है, उसमें आपके ऐसा नहीं है कि आपका पैसा अटक जाएगा या कुछ और, सो दैट्स वाई ऑलवेज गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। उसमें भी काफ़ी ऐसी कॉलेजेस हैं जो अगर आपके एवरेज एकेडमिक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक सेंट क्लेयर कॉलेज हो गया, सॉल्ट कॉलेज हो गया, लैंटर कॉलेज हो गया, अगर आपके एकेडमिक एवरेज हैं देन आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास गैप है, जस्टिफिकेशन तो मांगते हैं कॉलेज, लैंटर कॉलेज तो मांगते हैं जस्टिफिकेशन, सो देन आपको ऑफर लेटर स्टिल वो दे देंगे। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन केस ऑफ सुपर वीजा क्यूबिक, या फिर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो इन केस ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन, मेरे से प्रोफाइल डिस्कशन करना चाहते हो, एसओपी में हेल्प लेना चाहते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट नंबर, आपको नीचे फ्लैश हो रहा होगा। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, बाय बाय।